ओसीआई कार्ड की अपडेट करन तो बाद केड़ी ईमेल आउंदी आ, किन्ने चिर बाद आउंदी आ, जे आपां उसे टाइम ही जे सानू ट्रैवल करना होवे ते सानू केड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना चाहीदा आ। बहुत सारे भैण भरा भी पुछदे आ कि जदों आपां सिर्फ अपडेट कीता रीन्यू ते आपां कराया ही नहीं ते साडे कोल पुराना ही ओसीआई कार्ड रह जाणा आ, उस विच पुरानी ही फोटो लगी आ बच्चे दी ते पुराने ही फिंगरप्रिंट आ बच्चे दे, ते उह वर्क किद्दां करेगा, तो इन सारिया चीज़ों बारे आप जी गलबात कर जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, जे वीडियो टिकटॉक से पूरी ना आई तो यूट्यूब पर जाके इनफॉर्मेशन अबाउट ओसीआई कार्ड अपडेट एंड कन्फर्मेशन लव सिंह एम लिख के सर्च कर लियो, तो पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो जे टिकटॉक से वीडियो देख रहे हो इनू भी लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, तो वध तो वध भैन भरावों तक वीडियो पहुँचे तो ज़्यादा तो ज़्यादा भैन भरावों इस गल का जिहड़ा आ विस्थार दे विच पता लग सके। तो जे यूट्यूब पर देखोगे तो चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो हुण आपां गल करन जा रहे हैं कि सानू सब तो पहला ईमेल कहड़ियां आउंदियां ने जो आपां अपडेट पूरी करते हैं। जिहड़े भैण भरावां ने ओसीआई कार्ड अपडेट करने ने वह जिहड़ा आ जाके अपना यूट्यूब पर हाउ टू अपडेट योर ओसीआई कार्ड लव सिंह एम लिख के सर्च कर लो वीडियो, तो उन्हें पूरी वीडियो मिल जाएगी। स्टैप बाय स्टैप तुसीं जिहड़ा आ देख सकते हो तो अपना अपने घर बैठे ही जिहड़ा आ ओसीआई कार्ड जिहड़ा बच्चे का आ उन्हें अपडेट कर सकते हो। तो उस वीडियो में सारे कुछ दस्या भी होया है कि टाइम तो किहड़े टाइम तक तुसीं जिहड़ा आ बच्चे का जिहड़ा ओसीआई कार्ड जिहड़ा अपडेट करना आ, तो एक बार 20 साल की एज में जाके रीन्यू कराना आ, तो उस तो बाद 50 साल की उम्र तक कुछ नहीं करने की लोड़, 50 साल की उम्र में एक बार फिर जिहड़ा अपडेट करना आ, तो बस जी। तो बाकी जिहड़े भैण भरावां ने ओसीआई कार्ड अपलाई करना आ वह भी हाउ टू अपलाई ओसीआई कार्ड लव सिंह एम लिख के सर्च कर लो, तो वह भी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब दे विच। हुण आपां देखते हैं कि सानू जिहड़ी आ आपां अपडेट करन तो बाद सानू ईमेल कीहड़ी आउंदी आ उहदे विच की लिखिया हुंदा आ। तो उहदे विच आउंदा आ कि डियर योर एप्लीकेशन बियरिंग एम एच ए फाइल नंबर, तुहाडी फाइल नंबर आ जाणा जिहड़ा तुहानू रेफरेंस नंबर मिलिया हुंदा आ, फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन कनैक्शन विद योर ओसीआई कार्ड नंबर, तुहाडे ओसीआई कार्ड का नंबर हैज़ बिन सबमिटिड सक्सैसफुली। एम ईमेल सानू तुहानू उदों आउंदी आ जदों तुसीं जिहड़ा आ अपना ओसीआई कार्ड जिहड़ा आ अपडेट कर दियो, जो तुसीं अपडेट कर दिता तो सक्सैसफुली हो गया तो तुहानू उस टाइम ये ईमेल आ जानी आ, ठीक है जी। हुण जे तुहाडे कोल ए जिहड़ी ईमेल हैगी आ ते ए ईमेल नू तुसीं प्रिंट कढ लवो, तो दूसरा तुहाडे कोल जिहड़ा आ पुराना पासपोर्ट, जो तुसीं जर्मनी दे विच पुराना पासपोर्ट जिहड़ा तुसीं तुहाडे कोल हुंदा आ जिहड़ा गमाइंडा दे विच तुहाडा नवां पासपोर्ट बनदा बच्चे दा, ठीक है, तो वो तुहाडे कोल पुछदे ने कि पुराना पासपोर्ट असीं एंटवैरत करके कोल रख लीए जां तुहानूं दे दईए, तो तुसीं उहनूं अपने नाल लै लवो, तुसीं कदी वी उहनूं ना कहो कि तुसीं रख लो, तुसीं उह पासपोर्ट नूं अपने नाल रख लवो। उन्हां ने उहदी किनारी कट के पेज दी जां कैंसल दी स्टैंप ला के जिद्दां वी उह करनगे वह तुहानूं जिहड़ा आ पासपोर्ट दे देणगे कि यह पासपोर्ट जिहड़ा आ हुण वैलिड नहीं आ, तो उस तों बाद तुहाडा नवां पासपोर्ट बन गया। पर जदों तुहाडे कोल पुराना पासपोर्ट भी होएगा तो तुहाडे कोल यह ईमेल भी हैगी आ कि तुसीं जिहड़ी अपडेट भी कीती होई आ, हुण तुहाडे कोल पुराना ओसीआई कार्ड भी हैगा, पुराना पासपोर्ट भी हैगा, नवां पासपोर्ट भी हैगा, तो तुहाडे कोल ईमेल भी हैगी, यह चारे चीज़ां होण ते तुसीं जिहड़ा आ इहदे नाल ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि तुहाडे कोल पुछिया जाएगा तो तुहाडा नवां पासपोर्ट दिखाओगे, नवें पासपोर्ट की डिटेल जिहड़ी आ उह पुराने पासपोर्ट तों लई होई आ, तो पुराना पासपोर्ट की डिटेल जिहड़ी आ ओसीआई कार्ड दे विच मैनशन आ ऑलरेडी, तो नाल तुसीं इह वी शो कर रहे हो कि असीं ईमेल साडे कोल हैगी आ ते जिहड़ी कि सानूं आई होई आ ऑफिशियल, तो आपां जिहड़ा अपडेट कर चुके हैं, तो एमरजेंसी से सानू जाना पै जाए कितने तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो गया तो मैनू भी इदा ही मैं अपनी बेटी का जे अपडेट किया ही तो फिर आप चले गए। तो जी ईमेल कन्फर्मेशन की आती है कि हूँ तुहाडा जिहड़ा रिकॉर्ड चढ़ गया तुहाडे ओसीआई कार्ड ते तुहाडा रिकॉर्ड चढ़ गया, वो ईमेल दे विच लिखिया हुंदा आ, वह तुहानू ईमेल आनी है हैल्प डेस्क ओसीआई कार्ड वालों आनी है, तो रिगार्डिंग यूर ओसीआई कार्ड एप्लीकेशन वो लिखा होना आ द रैफर टू एप्लीकेशन बेरिंग एम एच ए फाइल नंबर, तो फाइल नंबर होना आ उ जो रेफरेंस नंबर से, फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन कनैक्शन विद योर ओसीआई कार्ड नंबर, तो ओसीआई कार्ड का नंबर आ जाना, अपडेट डिटेल इंक्लूडिंग यूर न्यू पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट का नंबर होना आ, हैव बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड कि तुहाडा जिहड़ा आ नवें पासपोर्ट का नंबर ते तुहाडी डिटेल जिहड़ी आ रिकॉर्ड दे उत्ते चढ़ा दित्ती गई आ। इह तकरीबन 4 हफ्तियां बाद जिहड़ी आ अपडेट करन तों 4 हफ्तियां बाद आउंदी आ, ते उस तों बाद फिर तुहानूं किसे नूं पुराना पासपोर्ट ना वी होवे तुहाडे कोल कोई टेंशन वाली गल नहीं, उस तों बाद जिहड़ा तुहाडा आ नवें पासपोर्ट का रिकॉर्ड पुराने ओसीआई कार्ड दे विच ही चढ़ जांदा आ। ते हुण इह काम किद्दां करदा आ,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ OCI ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਡੇਟ ਯੂਅਰ OCI ਕਾਰਡ, ਲਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ OCI ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ OCI ਕਾਰਡ, ਲਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ PDF ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਯੂਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਲਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।